6 मार्च को लगा पंचायत का, मैंने महानगर पालिका का अधिकार का कमिश्नर था, उनको फिर अधिकारी बनाया तो उनका पूरा अधिकार जनता, लेकिन आप लोगों का एहसान है हमारे ऊपर, आप लोगों ने टीम को दिया है, मैं आपका एहसान ये जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं आप लोग को जो हक बात है सही बात है वो बात बोलूँगा इंशाल्लाह कि अभी सोलापुर जिले के पालक मंत्री जो है दत्तात्रेय भरने मामा वो राष्ट्रवादी पार्टी के है, अगर नगर सेवक को बजट नहीं मिला तो भी हम पालक मंत्री पास से बजट लेकर काम कर सकते हैं, काम को अंजाम दे सकते हैं, इतना इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। और अभी सुभाष यादव को हमारे फोन के ऊपर बात हुई तो सुभाष के यहाँ रोड का भी काम नहीं होता, सिर्फ जो गटर का मसला है साफ सफाई का है वो होगा और पानी वक्त पर लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सुभाष ने मुझे वादा किया है। और बाजू गली का अगर रोड का रहेगा तो वहाँ पर हम रूम डालकर जेसीबी रोलर लगाकर लेवल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते भारत भर के सोलापुर जिले में आने वाले हैं और 25 तारीख को शरद पवार साहब का भी सोलापुर शहर में आगमन होने वाला है, तो अपना जो गली का मसला है छोटा मोटा मसला है, सिर्फ और सिर्फ पालक मंत्री के पास हम बजट लेकर चाहे 5 लाख लगा दें चाहे 10 लाख लगा दें, जो हमारे महापन को तकलीफ हो रही है, उनकी समस्या है, अड़चन है, प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा है। सिर्फ यहाँ के जमात के जिम्मेदार लोग जो दो चार लोग रहेंगे वो आप हमारे टच में रहना, क्योंकि अगर आप मेरे पास आएंगे उनको याद दिलेंगे तो ही काम होगा, क्योंकि हमारे पीछे काम बोल रहे थे बिजी रहते, अगर आपका भी ये फर्ज बनता है क्या आप ऑफिस में हो या फिर फोन नंबर लोग पड़ोसी भाई हमारे यहाँ हमारे इनाम साहब है, अगर आप लोग आओ याद दिलाओ मेरे को, और ये तो छोटा मोटा है लेकिन आने वाले इलेक्शन में, इलेक्शन 2 महीने के बाद भी हो सकते हैं, 3 महीने के बाद भी हो सकते हैं, चाहे 6 महीने के बाद भी हो सकते हैं, फिर उसके बाद याद रखो अभी यहाँ पर प्रभाग जो है नई जिंदगी बाग का लोकपाल नगर सारा मस्जिद चंदा का जो पंडा है वो प्रभाग नंबर 34 हुआ था, और ये जो तिलक नगर से मदीना चौक से लेकर साहिल नगर सारा मार्ग नंबर 1 काजल नगर गजान नगर का शंकर नगर तक अक्टूबर जो पंडा है ये प्रभाग नंबर 34 हुआ था, अभी महाराष्ट्र चेंज होने लिए चाहे अभी वार्ड अपने 2 प्रभाग का होंगे चाहे 3 का होंगे चाहे 4 का होंगे, यहाँ पर राष्ट्रवादी पार्टी का जो अजीत उम्मीदवार रहेगा आप उन्हें साथ दो, दुआ दो, आशीर्वाद दो, मतदान